हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सड्डा में। कैसे हैं दोस्तों? एक बहुत बड़ी अपडेट आई है पीईटी एग्ज़ाम को लेकर के। जो लोग पीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी का, उनके लिए एक अपडेट आया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो ईस्टर्न रेलवे है उसके द्वारा, और उसमें एक नोटिस डाली है उस पर, और उस नोटिस में जो जिन लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है, जिन लोगों की एलिजिबिलिटी हुई है, जो लोग पेट क्वालिफाई कर गए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, उनके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे डाली गई है। और वो नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या कहा गया है। बहुत सारे डाउट्स को आपके क्लियर किया गया है, जिन चीज़ों को लेकर के आप परेशान थे उन सारी चीज़ों को इस नोटिस में बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है। तो आइए देख लेते हैं नोटिस में कहा क्या गया है। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, तो मैं अभी आपको खोल करके इसको दिखा देता हूँ कि ये नोटिस एक्चुअली है क्या दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस नोटिस को। देखिए ये नोटिस आई है, लिखा हुआ है नोटिस फॉर क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर सेंट्रल नंबर 2/2018 रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली फॉर डीवी एलिजिबल कैंडिडेट्स। ये ऐसे लोगों के लिए नोटिस आई है जिन्होंने किसी भी तरीके के रिलैक्सेशन की डिमांड करी थी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और उन सभी लोगों के लिए सेम नोटिस है। सभी वेबसाइट्स पे एक दो दिन में आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगी। तो इसमें कहा क्या गया है मैं आपको बताता हूँ। इनमें वो सारी बातों को क्लियर किया गया है जिनको लेकर के आप लोग परेशान थे काफ़ी दिनों से कि सर क्या होगा, इस चीज़ में गलती है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सारी बातें इसमें बताई गई हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंट टू द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी रिजल्ट ऑफ द आरआरसी ईस्टर्न रेलवे द कैंडिडेट्स हू आर क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर आर इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड रिलेटेड एनेक्स फ्रॉम द वेबसाइट आरआरबी बेंगलुरु। कह रहा है कि जो लोग पीईटी क्वालिफाई किए हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है और जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम किसी भी तरीके के रिलैक्सेशन की डिमांड करी थी, लाइक आपने ओबीसी फिल किया था, आपने एससी फिल किया था, एसटी आपने फिल किया था, आपने ईबीसी कैटेगरी फिल करी थी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, आपने पीडब्ल्यूबीडी किया था, आप एक्स सर्विसमैन थे, तो इन सारे मतलब जिसमें भी आपको किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन मिलना था उनके रिगार्डिंग ये नोटिस आई है। और नोटिस में क्या बताया गया है कि आरआरबी बेंगलुरु पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वहाँ से उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके उन सारे एनेक्जर्स को लेकर के आपको आना है अगर आपने किसी भी तरीके का क्लेम किया होगा। तो लिखा है द एनेक्जर्स शैल बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर विच डिटेल्ड शेड्यूल वुड बी शॉर्टली अपलोडेड। कह रहा है कि ये सारे एनेक्जर्स आपको डीवी के टाइम पे लेकर के आने होंगे, जिसका पूरा डिटेल जल्दी ही आरआरसी जारी करने वाला है अपनी वेबसाइट। फिर कह रहा है द कैंडिडेट्स विथ डिस्क्रिपेंसीज इन बायोडेटा डिटेल्स आर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट ए लीगल एफिडेविट सॉन इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड आल्सो सबमिट द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स। कह रहा है किसी के भी अगर डॉक्यूमेंट में किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई है, जिस चीज़ को लेकर के आप लोग अभी तक इतना परेशान थे उसके रिगार्डिंग ये पैराग्राफ दिया है। कह रहा है अगर किसी के भी किसी भी फॉर्म में कोई दिक्कत है या कुछ ऐसी है, बायोडेटा में गलती हो गई है आपके, या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है जो आपने फॉर्म भरते टाइम गलती करी थी, तो आपको एक लीगल एफिडेविट लेकर के आना होगा, जो किसके द्वारा बना होना चाहिए, वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा सिर्फ और सिर्फ वही इसको बना सकता है। और उसके रिगार्डिंग उसके प्रूफ के लिए आपको जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उस टाइम पे ले जाने होंगे। कह रहा है कि व्हेन एवर डिस्क्रिपेंसी इज इन द फादर्स नेम ऑफ कैंडिडेट द एफिडेविट एंड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स एज बाय हिज और हर फादर एट द टाइम ऑफ डीवी। कह रहा है जिसके पिताजी के नाम में कहीं कोई गलती हुई है उस केस में उनके पिताजी के द्वारा भी एफिडेविट लगेगा, और उस बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उसके द्वारा भी अलग अलग से आपको
सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे कि हाँ यही चीज़ सही है। ये आपको इस बात पे ध्यान देना है कि पिताजी के और आपके दोनों लोगों के द्वारा इस तरीके की घोषणा पत्र या मतलब जो भी सर्टिफिकेट्स उसके लिए ज़रूरी होंगे वो आपको जमा करने होंगे, देने होंगे। फिर लिखा हुआ है, However, it would be the description of the DV committee to investigate the discrepancies and decide the outcome as per extant rule regulation of the RRB. कह रहा है कि हालांकि इन सब के बावजूद जो हमारी DV की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली कमेटी होगी वो उनकी छानबीन करेगी कि क्या जो कुछ भी आपने अपनी समस्याएं बताई हैं वो सही हैं या नहीं सही हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या इस पे छूट दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, जो आरआरबी के सेट रूट रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उसके आधार पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि नहीं है। अगर फिर भी कह रहा है कि आपको कोई दिक्कत है तो इस पे आप क्वेरी भेज सकते हो, उसका ऑफिशियल वो दिया हुआ है जीमेल अकाउंट, जीमेल जिस पे आप अपने क्वेश्चन को लिख करके भेज दीजिए। जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते थे हमारे चैनल पे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, वो यहाँ पे भेज दीजिए, आपको यहाँ से रिप्लाई मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाए गए हैं आरआरबी बेंगलुरु की वेबसाइट पे, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, इन सब कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, या आपने ईबीसी कैटेगरी को फिल किया था तो उसी के रिगार्डिंग आपके फॉर्म में एनेक्सर्स लगने हैं, उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना चुका हूं। अगर आप लोग देखना चाहें तो हमारे पिछले वीडियोस 2-3 वीडियो लगातार उसी पे आए हैं कि फॉर्मेट क्या होगा, आपको क्या क्या बनवा करके ले जाना है। लेकिन मैं आपको यहां बेंगलुरु की वेबसाइट पे भी दिखा दे रहा हूं कि क्या क्या दिया हुआ है फॉर्मेट, आप हमारा पिछले वीडियो में देखिएगा या इस लिंक पे जा करके आप बेंगलुरु की वेबसाइट से भी डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बेंगलुरु की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये है आरआरबी बेंगलोर की वेबसाइट, और इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है फॉर्म्स के डाउनलोड का। जिस सेक्शन की बात वहाँ पे की गई है वो सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और जब इसमें आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्म्स के डाउनलोड का एक सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट आपका खुलेगा। फॉर्मेट क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। पहला फॉर्मेट दिया है एससी एसटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, कि आपको अगर एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसका ऑफिशियल फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, प्रोफार्मा फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द ओबीसी कैंडिडेट, जिन्होंने नॉन क्रीमी लेयर नहीं भरा है उनको घोषणा पत्र देना होगा कि मैं नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, उनके लिए यहाँ से क्लिक करके आपको मिलेगा। फिर जिन लोगों को इनकम सर्टिफिकेट देना है, ईबीसी कैटेगरी फिल करी थी उन्होंने उनको यहाँ से डाउनलोड करना है। जिन लोगों को जिन्होंने माइनॉरिटी कैटेगरी भरी थी और फीस में कंसेशन लिया था उनको यहाँ से डाउनलोड करना है। जिन लोगों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूबीडी भरा था उनका प्रोफार्मा यहाँ मिलेगा। फिर कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ द पोस्ट, अब ये तो गुड्स गार्ड वाला ही लास्ट वाला आपको डाउनलोड नहीं करना है, ऊपर की जितनी चीज़ें हैं वो आपको डाउनलोड करके ले जानी है, और ये आरआरबी की वेबसाइट पे दिया हुआ है। और जैसे आप जाएंगे मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा। देखिए, जब आप यहाँ से जाएंगे, देखिए ये तो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ मिलेगा कहाँ से। ये आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई, यहाँ पे आर्काइव्स में आपको जाना है। आर्काइव्स में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड कॉर्नर पे फॉर्म्स टू डाउनलोड, और फॉर्म्स टू डाउनलोड को जैसे ओपन करेंगे उस तुरंत आपका ये खुल जाएगा, और यहीं पे सारे सर्टिफिकेट्स का दिया हुआ है फॉर्मेट, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको मैं एक करके दिखा दे रहा हूं कि क्या फॉर्मेट है। देखिए, मैं एससी एसटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूं कि किस तरीके का फॉर्मेट है, और ये सेम फॉर्मेट मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से आपको बनवाना है। देखिए, एनेक्सर 1 खुल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी, सेम फॉर्मेट मैं आपको दिखा चुका हूं, तो बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहां मैंने सैंपल के लिए आपको दिखा दिया, इस तरीके से आपको बनवा करके ले जाना है, और ये फॉर्मेट आप पहले से देख चुके हैं हमारे पुराने वीडियोस में। अब अगर आप कहें तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। ये आरआरबी की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स
आपके दिए हैं और यहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।